गुड इवनिंग। आरआरबी एनटीपीसी 2019 और रेलवे ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पा रही थी और मैं हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपसे वही बात शेयर करता हूँ जिसका ठोस आधार हो और वो ऑफिशियल है। तो आज मैं ऐसी ही एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप बहुत दिनों से ईसीए के बारे में सुन रहे थे। ऑलमोस्ट नवंबर 2019 से ईसीए की चर्चा है हो रही थी, लेकिन अब जा करके ईसीए के संबंध में ऑफिशियल अपडेट मिल गई है। तो एक आशा की एक किरण नज़र आ रही है कि निकट भविष्य में एनटीपीसी एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एनटीपीसी रेलवे से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट वो आप तक तुरंत अवेलेबल हो जाए, तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके सामने रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की वेबसाइट है। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा, आप खुद भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें नीचे देखिए है न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसमें आगे बढ़िए। तो 20 मार्च 2020 क्वेरेंडम नंबर 1 टू टेंडर नोटिस फॉर एंगेजिंग ईसीए फॉर सेन 01 2019 वेरियस एनटीपीसी पोस्ट, यानी बहुत सी एनटीपीसी के पदों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसकी नियुक्ति के संबंध में संशोधन पत्र, इसको आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करेंगे तो देखिए ये आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई का लेटर आ गया। इसमें है कॉरिजेंडम नंबर 1 यानी संशोधन नंबर 1। कॉरिजेंडम क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, उस ऑफिशियल लेटर में अगर कोई संशोधन किया जाना है, कोई चेंज किया जाना है डेट्स वगैरह में, तो उसके लिए कॉरिजेंडम जारी किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ईसीए के लिए पहले लेटर जारी किया जा चुका है, उसमें जो है कुछ चेंज हुआ है तो ये उससे रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। ई टेंडर नंबर, ये तो टेंडर का नंबर दे दिया है। क्या कार्य है? नेम ऑफ वर्क, इंगेजिंग ईसीए फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01 2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ऑल ओवर इंडिया। अर्थात नोटिस नंबर 1 2019 जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसे कंडक्ट कराने के लिए ईसीए की नियुक्ति। ईसीए क्या कार्य करेगी? ईसीए जो है वो एनटीपीसी से रिलेटेड CBT 1, CBT 2, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं अन्य सभी कार्य जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो परीक्षा के आरंभ से अंत तक इसी एजेंसी को कराए जाने हैं। द रिवाइज डेट फॉर प्री बिड कॉन्फ्रेंस रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑन प्री बिड क्वेरीज लास्ट डेट एंड टाइम विल बी एज अंडर, यानी कि इस संबंध में डेट और टाइम जो संशोधित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। डेट्स क्या हैं अब देखते हैं। पहला है डेट ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस 7 अप्रैल 2020। प्री बिड कॉन्फ्रेंस क्या होती है? किसी भी टेंडर निविदा बोली से पहले सभी एजेंसीज की एक बैठक होगी
उसमें डिटेल्ड डिस्कशन इस बात पर होगा कि उन्हें क्या-क्या कार्य करना होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या-क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी, कितना समय दिया जाएगा, परीक्षा आरंभ से लेकर के अंत तक आने वाली सभी व्यवस्थाएं और कार्यों के संबंध में रेलवे ऑफिशियल के साथ मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा और सभी आवश्यक कार्य जो उन्हें करने होंगे वो उन्हें समझाए जाएंगे 7 अप्रैल की मीटिंग में। ओके, 7 अप्रैल को मीटिंग हो गई। अब मीटिंग होने के बाद इन एजेंसीज़ को, जो जो एजेंसीज़ इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आएंगे, उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा। वो 2 हफ्ते के टाइम में अपना डिसाइड करेंगे, अपनी क्षमता का आकलन करेंगे कि क्या वो इस कार्य को कराने में सक्षम हैं, क्या उनके पास इतने संसाधन और मैन पावर है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब वो डिसाइड कर लेंगे तो फिर उसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को उनकी एक और मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें इन एजेंसीज के द्वारा जो जो प्रश्न किए जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशन ऑन प्रीवियस क्वेरीज, बोली बोलने से पहले, ऑनलाइन टेंडर देने से पहले उनके मन में जितनी भी शंकाएं होंगी, जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो भी उनके प्रश्न होंगे, उन सभी का सलूशन 21 अप्रैल की मीटिंग में दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑफर्स बिड्स थ्रू ई टेंडर लाइन। इसके बाद वो टेंडर प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 अप्रैल 2020। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 21 अप्रैल की मीटिंग के बाद फिर वो अपने टेंडर्स, अपने ऑफर्स जो हैं ऑनलाइन पुटअप करेंगे, और उसके लिए लास्ट डेट और टाइम दिया गया है 30 अप्रैल 2020 2 बजे तक। यानी बाद दोपहर 2 बजे तक वो अपने टेंडर ऑनलाइन भेज सकते हैं, और उसी दिन 30 अप्रैल को ही 3 बजे जो भी टेंडर्स प्राप्त हो जाएंगे ऑनलाइन उन्हें ओपन कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस एजेंसी की बोली सबसे कम है, और फिर ये उसको जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरह से एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और 30 अप्रैल को अगर ये डिसाइड हो जाता है कि एग्ज़ाम किस एजेंसी को कंडक्ट कराना है, तो फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये जो ज़रूरी सूचना थी आप तक पहुंचाने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे लाइक करें या ना करें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हों, जितने भी ग्रुप्स हों, उन सबको ये सूचना ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि 1 साल से अधिक समय बीत गया और करोड़ों छात्र जो हैं, करोड़ों कैंडिडेट्स बेचारे जो हैं वो इस रेलवे के एग्ज़ाम के चक्कर में परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो उन्हें कम से कम एक थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, उनको राहत मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि रेलवे NTPC या ग्रुप डी, इससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आपको होगी वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं हवा हवाई या फर्जी न्यूज़ आपको नहीं दूंगा, जो ऑफिशियल होगी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और जो सही सूचना होगी वही आप तक पहुंचेगी। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और जो भी नेक्स्ट जो भी
ऑफिशियल अपडेट आती है वो मैं आपको तुरंत शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।